ठीक है, चलो आज हम लोग वेक्टर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नाम सुना है वेक्टर का? यस सर। ठीक है, टू स्टार्ट विथ वेक्टर में, वेक्टर पढ़ने में तुम लोगों को थोड़ा सा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत होगी। वैसे तो आप लोग स्कूल में उसको पढ़ चुके हैं, बट फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो एंगल किसको कहते हैं? सबको मालूम है बोलो, ये एंगल थीटा वीटा जो सुनते रहते हो, वो एंगल क्या है? अमाउंट ऑफ रोटेशन अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या मतलब हुआ इस बात का? सर, जो अपना टर्मिनल रे है उसका कितना रोटेट कर रहा है वो बेस रे से। सर रे कहाँ से आ गया इसमें? क्या एंकल के लिए जो भी होता है ना। होता है? चलो मान लिया तुम्हारा अमाउंट ऑफ रोटेशन ये सब जो तुम पढ़े हो, बट मेजर कैसे करेंगे एंगल को? चलो मान लिया तुम्हारे लिए डेफिनेशन हो गया, एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन, जो भी रे वे कह रहे। मेजर कैसे करेंगे? इतनी बात कह देने से मेजर हो जाएगा क्या? वॉट एवर यू हैव सेड, एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन और वॉट एवर, सो कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ दिस वन लाइन डेफिनेशन? सर, उसके लिए अलग डिवाइसेस लगेंगे फिर कौन से डिवाइस लगेंगे? सर, प्रोटेक्टर जो होता है। जाएगा तो प्रोटेक्टर भी जो भी होगा, उस प्ोटेक्टर में भी जो 1 डिग्री 2 डिग्री बनाया होगा, तो एंगल को डिफाइन किया होगा, तभी तो कहता होगा कि इतना ही डिग्री 1 डिग्री है, इतना ही 2 डिग्री है, इतना ही 30 डिग्री है, नहीं तो सब प्रोटेक्टर में अलग अलग होता ना। यस सर। तो एंगल इसका मतलब कैसे डिफाइन हुआ होगा, बताओ सोच के। दुनिया के सारे प्रोटेक्टर में 30 डिग्री 90 डिग्री ये सब तो एक ही होता होगा ना। सर एंगल एक स्पेसिफिक एरिया होगा दो जगह के बीच का, मतलब एंगल एरिया होगा एरिया का कितना वो सर्कुलेशन, मतलब क्या? सर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा सर। सब पढ़े हो पहली बार लाइफ में, जब भी तुम्हें एंगल मिला होगा ना, क्लास 5th 6th 7th, पहली बार एंगल किस क्लास में मिला था? इश्क सिक्स्थ में। फिफ्थ फिफ्थ में ही एंगल मिल गया था तुम्हें, सही है यार। ठीक है, जब भी कभी एंगल मिला था तो उस समय एंगल का डेफिनेशन पढ़े होगे तुम लोग। चलो देखते हैं, सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है? रुपया 2 पाई आर होता है। पक्का? कैसे हाँ सर। मालूम? बोलो कैसे पता है 2 पाई आर? बोलना कैसे मालूम 2 पाई आर होता है सर्कल का पेरीमीटर? याद आया कुछ, क्लास 6th में या 5th में या 8th में जब भी कभी पहली बार एंगल देखा होगा तो क्या डेफिनेशन था? डायग्राम देख के कुछ याद आ रहा है? ये एल और आर का जो रेशियो होता है उसको एंगल कहते हैं।
याद आया कि नहीं? बोलो ना, हाँ ना, कुछ तो बोलोगे ना, तुम लोग चुप हो जाते हो। याद आया ऐसा कुछ? सो आर्क लेंथ अपॉन दिस सो कॉल्ड रेडियस वेक्टर, व्हाट एवर लाइन, इसका रेशियो को हम लोग एंगल कहते हैं। एंगल को मेजर करने के बहुत सारे यूनिट होते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट इज रेडियन, बट समहाउ स्कूल में हम लोग इस स्टैंडर्ड यूनिट को नहीं यूज करते, हम लोग मोस्टली डिग्री यूज करते हैं, है ना? Yes, sir. Yes, sir. But रेडियन का भी नाम तो सुना होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है? डिग्री बाय 180 इज इक्वल टू रेडियन डिवाइडेड बाय पाई। पाई रेडियन कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। अरे वाह, देखो सबको आता है। अब खुद बताओ इस डेफिनेशन से, कौन से डेफिनेशन से? तो ये थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर वाले डेफिनेशन से। तो ये थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर वाले डेफिनेशन से अगर देखोगे तो जब ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, तो उस केस में कितना एंगल बनेगा? 360 डिग्री। रेडियन में 360 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2π। और उस समय ये जो आर्क का लेंथ होगा, दैट लेंथ विल बी नथिंग बट पेरिमीटर। यस, तो आ गया पेरिमीटर इज 2πr। यस सर। यस सर। दूसरा, देयर आर सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सबको मालूम है? यस सर। साइन थीटा किसको कहते हैं? इसमें से कुछ वैल्यूज जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, सबके याद है सबको? यस सर। साइन 30 1/2। ओम भाई साहब, मार डालूंगा। साइन 30 डिग्री 1/2। या 1/2। साइन 60 डिग्री 3/2। tan 30 1/√3। tan 60 √3। sec 60 degree 2। सबको आता है, ये बताने की जरूरत नहीं है? वेरी गुड। अब 3, 4, 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। Yes, sir. तो ये 3 और ये अगर 4 है तो ये 5 होगा। Yes, sir. इसमें ये एंगल कितना होता है मालूम है? Sir, 53 और 37। Very good. कौन सा 53, कौन सा 37? ये होता है 37 डिग्री और ये होता है 53 डिग्री। तो मैं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कहूंगा कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद रख लो, क्योंकि ये याद रखने से क्या होगा, 0 से 90 के बीच में जो आप लोग अभी जानते हो, 0, 30, 45, 60 और 90, 5 एंगल, उसमें 2 और ऐड हो जाएगा, है ना? जैसे इस ट्रायंगल को देख के साइन 37, कॉस 37, साइन 53, कॉस 53 बता सकते हो ना? यस सर। इवन टेन 53, टेन 37 सब बता सकते हैं? यस सर। तो अगर आपको ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है, तो अब आप 0 से 90 के बीच में यू कैन टॉक अबाउट 7 डिफरेंट एंगल्स, इजंट इट?
साइन 37 कितना होगा डायग्राम देख के? 3/5 इसी तरह बता दोगे? Yes, sir. ठीक है, बहुत अच्छा. अब इसके आगे बढ़ते हैं. वेक्टर में मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू डील विद एंगल बिटवीन टू लाइंस. तो दो लाइन के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस भी हो सकता है. Yes. है ना? तो ऑब्ट्यूस एंगल तो 0 से 90 के आगे आएगा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसकी वैल्यूज तो हमें नहीं मालूम है, है ना? तो वो कुछ वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सिखाऊंगा. उससे पहले कुछ फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद रहने चाहिए. मोस्ट ऑफ द थिंग्स आता होगा, बट कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, पूरा नहीं बताऊंगा, वो तो आपको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा. जितने से आपका फिजिक्स में वेक्टर चैप्टर में काम चल जाए उतना बता देता हूँ. तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सबसे सिंपल पहला वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है. यस सर. सबको मालूम है? यस सर. बधाई हो. सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1. वेरी गुड. कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1. वेरी गुड. इसके अलावा साइन ए प्लस बी मालूम है? नो सर. नहीं मालूम होगा. चलो, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होता है. ठीक है. ओके सर. अब इसी में थोड़ा एक्सट्रापोलेट कर दें. अगर मैं ए इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा पुट कर दूं तो मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला आ जाएगा साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. यस. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है जो आपको इसमें यूज आएगा फिजिक्स में. इसी तरह कॉस ऑफ ए प्लस बी मालूम है किसी को? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. थोड़ा सा गलत हो गया. माइनस आएगा. हाँ माइनस आएगा. कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. यहां पर अगर माइनस होगा तो यहां पर प्लस हो जाएगा. इसमें भी देखो अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा पुट कर दें तो एक फॉर्मूला मुझे मिल जाता है कॉस टू थीटा का. तो कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. मिलेगा? Yes, sir. इसी को कॉस को अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे कॉस स्क्वायर को तो ये इसी फॉर्मूला का दूसरा फॉर्म हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. इसी फॉर्मूला का दूसरा फॉर्म हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. है ना? Yes, तो इस फॉर्म से एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मिलता है जो इस चैप्टर में बहुत यूज होगा कि साइन थीटा इज अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2.
है ना। इसी तरह या ऐसा कर दो, रूट हटा दो तो साइन स्क्वायर में भी याद रखो, ज्यादा कम कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, नहीं तो लगेगा सर बहुत डिफिकल्ट बता रहे। इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा विल बिकम वन प्लस कॉस टू थीटा बाय टू। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो इस चैप्टर में आपको यूज आने वाले हैं। जल्दी से इतना कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं।
लिख लिया, आगे बढ़ूं? यस यस सर। सबका हो गया? जब हो जाए तो बता दिया करो, मैं वेट करता हूँ। हो गया सर। फिर नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो ये एक पार्ट की कहानी। नेक्स्ट इज, जैसा मैंने कहा कि एंगल बिटवीन टू लाइंस में मोस्ट ऑफ द टाइम यू मे हैव टू डील विद ऑब्ट्यूज एंगल। इन दैट केस वी नीड टू नो हाउ टू कैलकुलेट ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी एंगल हैं, कितने भी हो, 2000 डिग्री, 10000 डिग्री, 50000 डिग्री, कुछ भी, उसको हम लोग चार क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। इसको बोलते हैं जीरो, और इसको बोलते हैं 90 डिग्री, और पाई बाई टू। पाई बाई टू ही 90 होगा? यस यस सर। फिर ये वाला लाइन क्या हो जाएगा? पाई पाई। वेरी गुड। ये वाला लाइन फिर क्या हो जाएगा? 3/2 pi. फिर pi by 2 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 pi. कहने का मतलब ये है कि ये एंगल 0 से pi by 2 के बीच में हो गया, ये एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया pi by 2 से pi के बीच में, ऐसा कोई एंगल ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया पाई से पाई बाई टू के बीच में, सॉरी पाई से 3π/2 के बीच में, ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। सो इसी तरह से कोई भी एंगल हो, हम ये बता सकते हैं कि कौन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कौन है सेकेंड क्वाड्रेंट में, कौन है थर्ड क्वाड्रेंट में, कौन है फोर्थ क्वाड्रेंट में, बता सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. 2π के बाद और फिर सर्कुलेशन हो तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 5π/2. ये क्या हो जाएगा? 3π. ये क्या होगा? 7π/2. हो जाएगा ऐसा? यहां से एक पैटर्न दिख रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है ऐसा? यस सर। नेगेटिव एक्स एक्सिस पर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है ऐसा? यस। पॉजिटिव वाई एक्सिस पर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है अल्टरनेट, जैसे पॉजिटिव वाई पे पाई बाई टू है तो नेगेटिव वाई पे 3π/2, फिर इस पर 5π/2, इस पर 7π/2। तो ये एक पैटर्न समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अगर मैं कोई एंगल बोलूं तो ये बता पाओगे कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट का है? यस सर। 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। 400 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट। तो एंगल से क्वाड्रेंट पहचानने सबको आ गया? यस सर। नेक्स्ट थिंग व्हिच यू हैव टू रिमेम्बर इज, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, in second quadrant only sine is positive, only sine बोल रहे हैं तो by default cosec तो होगा ही क्योंकि sine का reciprocal होता है। third quadrant में tan positive होता है, हम लोग जिसको tan बोलते हैं उसका पूरा नाम tangent है, तो tangent मतलब tan positive होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस दैट इज कोसाइन पॉजिटिव होता है, कॉस को कोसाइन बोलते हैं पूरा नाम, और कॉस होगा तो डेफिनेटली सेक होगा ही
है ना? यस सर। ये ऑर्डर आपको याद रखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। थोड़ा बहुत अगर स्कूल का याद होगा तो एक ट्रिक बताया रहता था स्कूल के बुक में, एड सुगर टू कॉफी, याद है किसी को? नो सर। ये जस्ट याद करने का ट्रिक है। एड सुगर टू कॉफी का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सेकेंड में साइन, थर्ड में टैन और फोर्थ में कॉस। ठीक है, है ना? यस सर। एक और रहता था स्कूल में कुछ ऐसा, स्कूल टू कॉलेज, याद है किसी को? कुछ नहीं याद रखने का तरीका है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये भी वही फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सेकेंड में साइन, थर्ड में टैन और फोर्थ में कॉस। ये पैटर्न याद रखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आज आपका पहला दिन है कॉलेज का, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज याद रहेगा, है ना? यस सर। तो पहले इतना कॉपी कर लो, फिर एग्जैक्ट वैल्यू पे आते हैं कैसे निकालते हैं।
Done, sir. आगे बढ़ूं? Yes. चलो अब एक रूल देखो, बिल्कुल मत लिखना, एकदम ध्यान देकर समझने की जरूरत है यहाँ पर। अभी आराम से देखो, एक बार दिमाग में बैठ गया तो फिजिक्स मैथ सब में आगे लाइफ में बहुत काम देगा। वैसे मैथ में सर पढ़ाएंगे आपको, ये तो जस्ट एक कोइंसिडेंस है कि पहले मैं पढ़ा दे रहा हूँ। ध्यान से सुनो, मान लो कोई ऑब्ट्यूज एंगल है, इफ एन ऑब्ट्यूज एंगल अल्फा, जिसको हम एक्यूट एंगल के टर्म में मान लो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिख देते हैं। देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो remain unchanged but a positive or negative sign will appear depending on the quadrant in which angle alpha lies। मतलब क्या देखो, जैसे कोई मुझसे पूछे कि साइन 2π माइनस थीटा क्या होगा, तो पहले बताओ 2π माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव, तो मैं लिख दूंगा माइनस साइन। कोई पूछे कॉस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकंड। सेकंड। सेकंड में कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? माइनस। माइनस कॉस थीटा। कोई पूछे साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल हुआ? सेकंड। सेकंड। प्लस साइन थीटा। कोई पूछे टैन कुछ भी 5π प्लस थीटा, मान लो 5π किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा? 5π प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में टैन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? पॉजिटिव। प्लस टैन थीटा है ना। आपको लगता है कि ऐसे ऐसे इनफाइनाइट फॉर्मूला बनाए जा सकते हैं? Yes. है ना? Yes. कोई दिक्कत किसी को इसमें समझने में? सर, थर्ड क्वाड्रेंट 5π कैसे? कॉपी किया है ऊपर वाला? हाँ सर। तो देखो तो 5π कहाँ लिखा हुआ दिख रहा है एक्सिस पर? फाइव पाई कहाँ लिखा हुआ दिख रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। फाइव पाई कहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस? नेगेटिव एक्स एक्सिस।
तो 5 पाई प्लस थीटा मतलब 5 पाई से ज्यादा है, है ना? यस सर, यस सर। तो 5 पाई से ज्यादा होगा तो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा? तुमने कॉपी नहीं किया है, थर्ड क्वाड्रेंट। 5 पाई के बाद कौन सा क्वाड्रेंट आता है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में tan पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव तो प्लस tan थीटा। सर तो अगर ये इक्वेशन में थीटा 5 पाई माइनस थीटा रहेगा तो सुनो, दो मिनट सुनो, 5 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड। सेकेंड में tan पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव तो माइनस tan थीटा होता। ओके सर, ठीक है, कॉपी कर लो इसको।
Done, sir. हो गया, आगे बढ़ो. Yes, sir. अब देखते हैं कितना समझा आप लोगों ने. बताओ साइन 120 डिग्री कितना होगा. कॉस 150 डिग्री कितना होगा. कॉस 120 डिग्री कितना होगा. साइन 150 डिग्री कितना होगा. टैन 300 डिग्री कितना होगा. ऐसे ही कुछ दो चार क्वेश्चन कोशिश करो. एक मैं करके दिखाता हूं, ठीक है. जैसे साइन 120, साइन 120 को मैं लिख सकता हूं पाई माइनस 60 डिग्री. लिख सकता हूं. यस सर. पाई माइनस 60 किस क्वाड्रेंट में. सेकंड. सेकंड में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव. पॉजिटिव. पॉजिटिव. सो प्लस साइन 60 डिग्री दैट इज प्लस रूट 3/2. आया समझ में. यस यस सर. ऐसे ही बाकी कर सकते हो. यस सर. यस सर. फटाक से करो प्रोसेस. सर आपने लास्ट क्या लिखा है. टैन 300 डिग्री. ओके. Sir, we have to send the answers in chat. Sorry? Chat में answers भेजने हैं. नहीं नहीं मत भेजो. Just keep it with you all. ये बच्चों वाली क्लास नहीं है कि मैंने हो गया ये आंसर. मैं बताता हूँ चेक कर लेना हुआ या नहीं. Cos 150 को मैं लिखूंगा पाई माइनस 30. है ना. यस. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है या पॉजिटिव. नेगेटिव. तो माइनस कॉस 30 दैट इज माइनस रूट 3/2. कॉस 120 सिमिलरली कॉस पाई माइनस 60
सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, सो माइनस माइनस कॉस 60, दैट इज माइनस 1/2। इसको लिखेंगे साइन पाई माइनस 30 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सो प्लस साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 इज 1/2, सो प्लस 1/2 आंसर। टैन को लिख देंगे टैन 360 माइनस 60, दैट इज 2π माइनस थीटा, है ना। तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ में टैन नेगेटिव, सो माइनस टैन 60 डिग्री, सो माइनस रूट 3। कोई दिक्कत? नो सर। समझ आ गया? यस सर। एक और देखते हैं। अभी जो बता रहा हूं ये अल्टरनेट मेथड है। अल्टरनेट मतलब अगर नहीं भी जानते हो तो ऊपर जो बताया ये जानने से काम चलेगा, अदरवाइज जान लोगे तो एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग के लिए टाइम है। अभी नए बच्चे हो तुम लोग, सीखने की इच्छा होगी। रूल टू, अब जैसे 120 डिग्री देख के आपको याद आया 180 माइनस 60, किसी को 90 प्लस 30 भी तो याद आ सकता है, है ना। 90 प्लस माइनस या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू प्लस माइनस से रिलेटेड एक रूल बताता हूं। इफ अल्फा इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा, then trigonometric ratio of alpha will get converted in will get converted into complementary complementary trigonometric ratio of theta. And a positive or negative sign will appear depending on quadrant in which angle alpha lies. Complementary का मतलब हो गया कि sine और cos ये दोनों एक दूसरे का complementary है, ठीक है। tan और cot ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। sec और cosec ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। Yes, sir. Yes. अब इस बात का मतलब क्या हुआ देखो। सपोज मुझे चाहिए साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, ठीक है। तो पाई बाई टू प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट का होगा? सेकंड क्वाड्रेंट।
तो पहले तो हम सेकंड लिख देंगे यहाँ पर, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? पॉजिटिव प्लस लिख देंगे एंड साइन विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉस, राइट? Had it been cos pi by 2 plus theta, pi by 2 plus theta, किस quadrant का angle है? Second quadrant. Second में cos? Negative. So minus sine. Cos will get converted into sine. जैसे तुम लोग पढ़े भी होगे, sine 90 minus theta is cos theta, पढ़े हो ना इतना? Yes sir. Yes, sir. इस रूल से देखो, pi by 2 minus theta, किस quadrant का हो गया? First quadrant. First में positive होता है, तो plus sin will get converted into cos, है ना? अच्छा, ये तो pi by 2 ही चल रहा है, कुछ भी लिख देता हूँ, मान लो tan 5 pi by 2 minus theta, 5 pi by 2 minus theta, किस quadrant में आएगा? First quadrant. tan का हो जाएगा cot, तो plus cot theta, है ना? आई बात समझ में? Yeah. यही रहता tan 7 pi by 2 plus theta, किस quadrant में आएगा? Fourth में tan positive या negative? Negative. So minus cot theta. तो समझ आ रहा है, इस तरह के इनफाइनाइट फॉर्मूले बना सकते हैं हम लोग? यस सर। तो रूल टू को भी कॉपी कर लो।
कर लिख के लिख लीजिए सर, आगे बढ़ो। देखो जैसा मैंने कहा था ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल इन द सेंस कि जो मतलब इसके अलावा भी कर सकते हैं, बट इसका आंसर तो पता है ना। तो जो हम लोगों ने रूल वन को लेकर निकाला था, यही सारे वैल्यू रूल टू के हेल्प से भी निकाल सकते हैं, है ना। तो यही सब रूल टू के हेल्प से एक बार निकाल के मुझे बताओ, और आंसर आपके पास है ही, देखना है कि वही आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, ओके। उसी एग्जाम्पल को अब इस रूल से निकालने की कोशिश करो। हो गया? Yes, sir. Very good. तक से मैं कर देता हूँ। 120 को 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, तो साइन पॉजिटिव और साइन का कॉस हो जाएगा कॉस 30, कॉस 30 इज रूट 3 बाई 2, तो रूट 3 बाई 2। आया सबको? Yes, sir. 150, 150 को 90 plus 60 लिख सकते हैं, तो ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव,
cos will get converted into sin. So ye ho jayega minus sin 60, that is minus root 3 by 2. cos 120, so isko likhenge cos 90 plus 30. सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव सो माइनस साइन 30 दैट इज माइनस 1 बाय 2 साइन 150 को लिखेंगे 90 प्लस 60 सो साइन 90 प्लस 60 तो ये हो जाएगा प्लस कॉस 60 दैट इज प्लस 1 बाय 2 समझ आ रहा है सबको? यस सर। 300 को क्या लिखेंगे? 3 पाई बाय 2 tan 3 पाई बाय 2 प्लस 30 270 प्लस 30 इज 300 तो ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में फोर्थ में tan नेगेटिव होता है सो माइनस और tan का cot तो माइनस cot 30 That is minus root 3. आया समझ में? Yes, sir. कोई doubt किसी को? No, sir. तो चलो इतना information sufficient है vectors सीखने के लिए. अब हम लोग physics अभी से start कर रहे हैं. सबसे पहले physical quantity नाम सुना है? Yes, sir. क्या होता है? Measurable quantities. क्या होता है? Measurable quantities. Measurable quantities. जैसे यहाँ पर अगर 5 पेन रखे हुए हैं तो मैंने पूछा कितने पेन हैं तो तुमने कहा 5 तो पेन फिजिकल क्वांटिटी होगा बोलो तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में मेजर करते हैं फंडामेंटल वर्ड मुझे नहीं पता मैं पूछ रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड तो मैं तो वही पूछा कि मैं नंबर ऑफ पेन 5 बोला तो 5 तो पेन फिजिकल क्वांटिटी हो गया क्या बोलो नहीं तो एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एंड अच्छा मेजर्ड मतलब कैसे तो एक्सपेरिमेंटली और एनालिटिकली एक्सपेरिमेंटली और एनालिटिकली का मतलब है जैसे मान लो मुझे किसी चीज की डेंसिटी चाहिए तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना yes, sir. तो किसी टूल से मैंने मास मेजर कर लिया किसी टूल से मैंने वॉल्यूम मेजर कर लिया और मास अपॉन वॉल्यूम से डेंसिटी निकाल लिया yes, sir. तो ध्यान से देखोगे तो मैंने डेंसिटी मेजर नहीं किया है मैंने डेंसिटी कैलकुलेट किया है ना यस सर सो ये हुआ एनालिटिकल मेजरमेंट इफन कुछ क्वांटिटी को मेजर किया फॉर्मूला में वैल्यू पुट किया और दूसरा क्वांटिटी निकाल लिया तो जो दूसरे क्वांटिटी को मेजर करने का प्रोसेस है दैट्स एनालिटिकल मेथड राइट सो दैट कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली और एनालिटिकली And
can be represented with their unit of measurement. Are called physical quantity. जैसे physical quantities जो भी है अपना जैसे मैं कहूं कि मास इज 50 kg तो यहां पर ये केजी क्या है यूनिट ऑफ मेजरमेंट है यस सर और ये 50 क्या है मैग्नीट्यूड है या न्यूमेरिकल वैल्यू है ना यस सर अब खुद सोचो कि अगर ऐसा डेफिनेशन है कि एनी क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड एंड ऑल तो बहुत कुछ ऐसा भी होता होगा जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं तभी तो ऐसा डेफिनेशन है ना यस सर तो जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं उसका कुछ एग्जांपल बताओ राइस ग्रेन्स क्या राइस ग्रेन्स को मेजर नहीं कर किसको राइस फॉर एग्जांपल राइस को क्यों नहीं मेजर करोगे मास ऑफ राइस 1 kg 2 kg क्या मतलब है नहीं समझाना सर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट चीज लाइक फीलिंग्स एंड हाँ फीलिंग्स जैसे मैं पूछूं तुमसे आज कितना हैप्पी हो ये नहीं कह सकते हो कि सर आज मैं 20 यूनिट हैप्पी हूँ इसका कोई मतलब नहीं है ना तुम बोलोगे आज मैं बहुत हैप्पी हूँ कल से ज्यादा हूँ ऐसा कुछ बोलोगे बट इट डजंट मेक एनी सेंस व्हेन यू से टुडे आई एम 20 यूनिट हैप्पी और 30 यूनिट हैप्पी है ना तो इस तरह के जो इमोशनल कोशेंट है उसको नहीं मेजर कर सकते तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा क्लियर है yes, sir. Yes, sir. जल्दी से इसको कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं
हो गया बोलो यस सर बोलते नहीं मेरे को अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये सारे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ब्रॉडली दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं इसको हम लोग ब्रॉडली दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं एक को कहते हैं वेक्टर्स और दूसरे को कहते हैं स्केलर्स नाम सुना होगा यस वेक्टर्स किसको कहते हैं क्या डिफरेंस है दोनों में कैसे हम कह पाएंगे कि कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है या नहीं वेक्टर क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन दे रहे हैं वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है और स्केलर के पास ओनली मैग्नीट्यूड और कोई सर वेक्टर को नॉर्मल वे से ऐड नहीं करते हैं लाइक दे हैव डिफरेंट लॉज फॉर एडिशन एंड सबट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं पता होता और कोई ठीक तो वेक्टर हो या स्केलर हो फिजिकल क्वांटिटी तो है तो मैग्नीट्यूड तो दोनों में होगा ना मैग्नीट्यूड को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है चाहे वेक्टर हो या स्केलर हो मैग्नीट्यूड तो होगा क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी है ठीक है कोई दिक्कत नहीं नो अगर वेक्टर है तो वेक्टर में डायरेक्शन भी होगा एकदम वेल डिफाइंड एंड यूनिक मतलब क्या है देखिए स्केलर में डायरेक्शन या तो नहीं होगा जो आप लोग जानते हो एब्सेंट होगा या अगर होगा तो डिफाइंड नहीं होगा वेल डिफाइंड नहीं होगा थर्ड अभी किसी बच्चे ने कहा कि अगर वेक्टर है तो वो नॉर्मल 2+3=5 के जैसा नहीं ऐड होगा तो बात ऐड का नहीं ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई सब होता है तो वेक्टर क्वांटिटी जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करते हैं सो दे फॉलो वेक्टर अलजेब्रा फॉर देयर मैथमेटिकल ऑपरेशंस जब हम वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं तो ये वेक्टर अलजेब्रा एग्जैक्टली क्या है यही इस चैप्टर में हम लोगों को सीखना है स्केलर क्या होगा स्केलर नॉर्मल अलजेब्रा फॉलो करेगा या कुछ और फॉलो करेगा वेक्टर अलजेब्रा तो नहीं फॉलो करेगा सो दे डू नॉट फॉलो एग्जांपल भी सबका बताऊंगा वेक्टर अलजेब्रा
for their mathematical operations. तो ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन वेल डिफाइंड और वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करना चाहिए, तभी जाके हम कह पाएंगे कि कोई क्वांटिटी वेक्टर है या नहीं. क्लियर है? यस सर. यस सर. इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है अभी समझाऊंगा, पहले इसको कॉपी कर. सर हाँ बोलो, सुन रहा हूँ. सर आपने फॉर देयर के बाद क्या लिखा है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस. ओके सर. डन सर. हो गया? यस सर. प्रेशर का नाम सुना है? बोलो.
फिजिकल क्वांटिटी में प्रेशर का नाम सुना है? यस यस सर। क्या होता है? फोर्स ऑन यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट। तो समझो सपोज ये एक प्लेट है, ये एरिया है, इस पर एफ फोर्स लग रहा है ऐसे। तो ये फोर्स एफ है, इसका सरफेस एरिया ए है, तो इस पर प्रेशर हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, और इस प्रेशर का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, होगा ना? यस सर। कोई डाउट नहीं? नहीं। यही अच्छे थे। पास्कल लॉ पर है तुम लोगों ने? यस सर। क्या होता है? इस पॉइंट पर देखो तो प्रेशर का डायरेक्शन ये सब होगा, है ना? Yes, sir. प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड अ लिक्विड वो मल्टीपल डायरेक्शंस होता है इसका। यस सर। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि प्रेशर इनसाइड लिक्विड और गैस is a scalar quantity. But pressure on a solid is vector quantity. आई बात समझ में? तो second point में जो unique well defined direction लिखा था उसका कुछ meaning समझ आया? प्रेशर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है इनसाइड लिक्विड में, बट यूनिकली डिफाइंड नहीं है, है ना? ये स्केलर क्वांटिटी होगा। क्लियर है? यस। तो कोई पूछे कि प्रेशर वेक्टर है या स्केलर, तो इस क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं है अनलेस प्रेशर सॉलिड पर पूछ रहा है या लिक्विड पर पूछ रहा है। स्पेसिफाई नहीं करेगा तब तक कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? यस सर। कॉपी कर लो इसको।
Sir, done. हो गया, आगे बढ़ो. यस सर. यस. एक और देखो. इलेक्ट्रिक करंट का नाम सुना है? यस सर. वेक्टर होता है या स्केलर? स्केलर. स्केलर. क्यों? डायरेक्शन यूनिक नहीं होता. डायरेक्शन यूनिक नहीं होता सर, उसको ऐड भी नॉर्मली करते हैं हम लोग. हाँ, ये सही. डायरेक्शन तो यूनिक ही होता है बेटा. जैसे मान लो को ये एक वायर है, तो इस वायर में एक करंट आ रहा है मान लो 2 एम्पियर का. तो एमिटर लगा के मेजर करेंगे तो करंट तो 2 एम्पियर का मिलेगा, मतलब मैग्नीट्यूड होता है. एमिटर मुझे ये भी बता देगा कि राइट टू लेफ्ट जा रहा है या लेफ्ट टू राइट जा रहा है. तो इसका डायरेक्शन भी डिफाइंड है, यूनिक है इनफैक्ट, है ना. Yes, ये मान लो एक दूसरा वायर है, इसमें 3 एम्पियर का करंट जा रहा है. तो ये अगर एक तीसरा वायर है तो इसमें डेफिनेटली 5 एम्पियर का करंट जाएगा, न कम न ज्यादा. Yes, किरचॉफ जंक्शन रूल याद है? Yes, sir. अब ऐसे सोचो, मान लो एक आदमी मुझे 10 न्यूटन से राइट में पुल कर रहा है, दूसरा आदमी मुझे 5 न्यूटन से लेफ्ट में पुल कर रहा है, तो मेरे ऊपर नेट फोर्स कितना हो गया? 5 न्यूटन ऑन द राइट. 5 न्यूटन हो गया. तो यहाँ पर 10 और 5 मिलके 15 नहीं हुआ ना. Yes. तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि अगर वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता तो 10 और 5 का सम हमेशा रिजल्टेंट हमेशा 15 होता ना. Yes, लेकिन इस इलेक्ट्रिक करंट को देखो तो यहाँ पर 2 और 3 का सम 5 ही है. चाहे कुछ भी कर लो, ये ब्लैक वाले वायर को कहीं भी रख दो, रेड वाले को कहीं भी रख दो, ब्लू वाले में 5 एम्पियर करंट ही जाएगा, है ना. Yes, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, वेल डिफाइंड डायरेक्शन भी है, बट ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है. वेक्टर अलजेब्रा में बहुत सारी चीजें हैं, मैं तो जस्ट एक एडिशन का सिंपल एग्जांपल दिया, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है, है ना. Yes, so hence, despite having both magnitude and direction, electric current is a scalar quantity. As it doesn't obey vector algebra. So third point का भी meaning समझ आया? Yes sir. Yes. इसको copy करो.
So we're done. हो गया, आगे बढ़ो. यस सर. यस सर. तो जैसा कि तुम लोगों ने देखा कि देयर आर सर्टेन स्केलर क्वांटिटी जिसमें कि डायरेक्शन होता है, ठीक है, तो सिलेबस में नहीं है. हम लोगों को जो पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ वेक्टर और स्केलर पढ़ना है. तो हम लोगों के डेफिनेशन में एनीथिंग व्हिच इज नॉट वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी. लेकिन आगे जाके हायर मैथमेटिक्स में पढ़ोगे तो जिस स्केलर के पास डायरेक्शन होता है उसको प्रिसाइजली टेंसर क्वांटिटी कहते हैं. लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अपने सिलेबस में पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं बता इसलिए दिया कि कभी किसी के मुंह से सुन लोगे तो तुम्हें लगेगा कोई बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी है. ऐसा कुछ नहीं है. सो स्केलर्स हैविंग डायरेक्शंस आर प्रिसाइजली कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी. ठीक है. सो स्केलर्स हैविंग डायरेक्शन आर कॉल्ड टेंसर. बहुत ज्यादा हम लोग बहुत जब इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद जब बहुत हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पर हो गए तो वहां पर टेंसर का अपना अलजेब्रा होता है. तो आपके लिए उसकी जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ ये नाम भर जान लो तो मोर देन सफिशियंट है. वैसे ये भी जरूरत नहीं है. क्लियर है? Yes. जल्दी से इसको कॉपी कर लो. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं तो वेक्टर अलजेब्रा शुरू करेंगे. ये फर्स्ट लेक्चर था. फर्स्ट लेक्चर में आपका कोई होमवर्क नहीं है. नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स होमवर्क मिलेगा. सर. हाँ सर. आप वो क्वाड्रेंट्स वाला पार्ट एक बार दिखाएंगे क्या? नहीं कॉपी किया है सर. कॉपी कैम बस मैंने वो एक्सिस पर वो सब नहीं लिखा है. ठीक है चलो. बाकी जिन लोगों का हो गया सब निकलते चलो. मैं भी रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर.